हेलो फ्रेंड्स, मीना कुक्स में आपका स्वागत है। आज हम पालक पूरी बनाएंगे थोड़े अलग स्टाइल से, तो आइए बनाना शुरू करते हैं पालक की पूरी। पालक की पूरी बनाने के लिए जो जो चीजें हमें लगने वाली है, ये एक पालक की जुड़ी हमने ली है छोटे साइज की, जिसे हमने अच्छे से वॉश करके कट करके लिया है। ये 1.5 कप गेहूं का आटा लिया है, 1/2 कप हमने बेसन लिया है, 10 हमने लहसुन की कलियां चॉप करके ली है, ये हरी मिर्चें भी हमने ली है 2, उसे भी हमने छोटा बारीक कट करके लिया है, ये 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर है, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर है, 1/2 टीस्पून हमने गरम मसाला लिया है और 1 टीस्पून नमक लिया है। नमक आप स्वाद अनुसार लीजिए। पानी हमें लगेगा, जरूरत के अनुसार हम पानी यूज करेंगे, और तेल हमें लगेगा पूरियों को फ्राई करने के लिए। तो आइए बनाना शुरू करते हैं पालक की पूरी। की गैस पे हमने कढ़ाई रख ली है, उसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डाल लिया है। अभी उसमें हम ये लहसुन डाल लेंगे, हरी मिर्च डाल लेंगे और इसे थोड़ा सा हम फ्राई कर लेंगे 2 मिनट के लिए। हमने लहसुन और हरी मिर्च को अच्छे से ऑयल में भून लिया है। अभी ये जो पालक हमने ली है ये इसमें ऐड करेंगे। अभी ये जो मसाले हैं ये हम इसमें ऐड कर लेते हैं, रेड चिली पाउडर, जीरा पाउडर और धनिया पाउडर इसमें डाल लेते हैं, साथ में ही गरम मसाला भी डाल लेंगे और ये नमक हमने लिया है तो ये सब्जी का जो नमक है ये हम इसमें डाल लेते हैं। अभी इसमें का पानी हम थोड़ा सा ड्राई होने देंगे। 2 मिनट हमने पालक को अच्छे से मसाले में भून लिया है। अभी गैस का फ्लेम हम ऑफ कर लेंगे और इसे ठंडा करके मिक्सी के जार में से बारीक करके लेंगे। आइए फ्रेंड्स, ये 1.5 कप गेहूं के आटे में 1/2 कप हमने बेसन लिया है वो ऐड कर लेते हैं। स्वादानुसार नमक डालिए। मैंने ये 1 टीस्पून लिया था, जिसमें से थोड़ा सा मैंने सब्जी में डाला और बाकी का आटे में डाल रही हूँ। ये अजवाइन हमने 1/2 टीस्पून लिया है, पहले मैं भूल गई थी बताना, ये अजवाइन 1/2 टीस्पून हम थोड़ा सा हाथ पे क्रश करके इसमें ऐड कर लेंगे। और ये मिक्सी के जार में हमने पालक का प्यूरे बना लिया है। ये एकदम फाइन प्यूरे हमने नहीं बनाया है, तो ये प्यूरे हम इसमें डाल देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसका आटा लगा लेते हैं। जैसे हम पूरियों के लिए आटा लगाते हैं उस टाइप का आटा हमें लगाना है। ये मिक्सी के जार में हमने थोड़ा सा पानी डाल लिया है, ये इसमें ऐड कर लेते हैं और पानी की ज़रूरत लगे तो डाल देते हैं। फ्रेंड्स, हमारा आटा लग चुका है। ये देखिए, अभी हम थोड़ा सा छोटी चम्मच ऑयल इसके ऊपर डाल के इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। चकले को हमने थोड़ा सा ऑयल का हाथ लगा लिया है और ये बेलन को भी हम थोड़ा सा ऑयल का हाथ लगा लेंगे। ये हमने आटे का गोला ले लिया है, ये ज़्यादा पतली नहीं पूरी हमें बनानी है। और ये मैं एक एक करके बना रही हूँ। ये कोई भी बर्तन आपके पास जो है, जिस साइज की पूरी आपको चाहिए वो ले लीजिए और इसे एक इस शेप की पूरियाँ आपको मिलेगी। ये इसी तरह से हम एक 4-5 पूरियाँ पहले बना लेते हैं और फिर हम इसे फ्राई कर लेते हैं। ये
हमने एक आटे का गोला ले लिया है, उसके ऊपर हमने थोड़ा सा भुना हुआ तिल ये इस तरह से चिपका लिया है। अभी हम इसे बेलन से इस तरह से बेल लेंगे। और ये देखिए इस शेप के लिए हम कर रहे हैं, आपको नहीं चाहिए तो आप नहीं कीजिए। देखिए इस तरह की पूरी अभी आप बना के ले सकते हैं। मैं दो चार पूरियां इस तरह की भी बना लेती हूँ। ये फ्रेंड्स ये हमने ऑयल गरम करने के लिए रखा है, चेक कर लेते हैं ऑयल गरम हो चुका है क्या। ये देखिए हमारा ऑयल अच्छा गरम हो चुका है, अभी उसमें हम ये पूरियां डालते हैं। एट ए टाइम हम एक या दो ही पूरियां डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स हमारे पूरी को दोनों साइड से अच्छा कलर आ चुका है, अभी हम इसे निकाल लेते हैं। और एक एक ही पूरी मैं डाल रही हूँ क्योंकि मेरी कढ़ाई छोटी है तो वो पूरी एक ही एक टाइम अच्छे से फूलेगी। फिर से अच्छे से कलर आने के बाद हम इसे पलट लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स बहुत अच्छा कलर आया है ये साइड से, अभी दूसरी साइड से भी इसे कलर आने देंगे। ये पूरी बहुत ही खस्ता बनती है और टेस्ट में बहुत ही अच्छी लगती है। इस तरह से मैंने सभी पूरियां बना ली है, अभी मैं इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स ये हमारी खस्ता पालक पूरी की रेसिपी बनके तैयार हो चुकी है। ये बहुत ही अच्छी बनी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। ये जो खस्ता पूरी है ये आप मिंट चटनी सॉस या किसी भी चटनी के साथ खा सकते हैं, या आलू की सब्जी के साथ भी ये पूरी बहुत ही अच्छी लगती है। और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, उससे मेरी रेसिपी आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो फिर मिलते हैं किसी नए और टेस्टी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।